हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारी आज की एक और नई वीडियो में। और जैसा कि आज की वीडियो के अंदर भाई सामने आप देख के बचा नहीं गए होंगे भाई, ये साथ अपने साथ है भाई ऑल न्यू 2022 ग्रैंड विटारा, जो कि भाई ये वेरिएंट जो आप देख रहे हैं इसका सबसे नीचे वाला वेरिएंट, मतलब कि बेस मॉडल जिसको हम नाम देते हैं भाई सिग्मा वेरिएंट। ये इसके अंदर भाई कोई भी अपना ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं मिलता है सिग्मा वेरिएंट के अंदर। ये अपने साथ मैनुअल ट्रांसमिशन ही है, इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो आपको इससे ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब कि जीटा डेल्टा जो भी अपने अल्फा टॉप वेरियंट्स इसके ऊपर जो वेरियंट्स जाते हैं। ये अपना सबसे नीचे वाला बेस मॉडल होगा भाई सिग्मा वेरियंट। ये अपना साथ मैनुअल ट्रांसमिशन है आज हमारे साथ, इसका आपको आज वीडियो के अंदर पूरा आगे डिटेल वीडियो देने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहना। साथ ही साथ भाई अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अपने चैनल पे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं, तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लें। चलो तो भाई अब कर लेते हैं भाई वीडियो को स्टार्ट। तो बात कर लेते हैं भाई पहले इसके कुछ फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट में पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई ये अपने ऊपर हो गए DRLs, जो कि आपको बेस मॉडल से कंपनी अब आपकी ऑफर कर रही है, और इसी के अंदर भाई इसके टर्न इंडिकेटर्स आपको इस अंदर मिल जाते हैं। और की बार भाई आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, मारुति ने अपना कुछ दिमाग लगा के यहाँ हेडलम्प्स नहीं देखे या DRL का ऑप्शन देखे, मतलब कि और नीचे बम्पर में भाई आपको हेडलम्प दे दिए। इसके अंदर वैसे आप देखेंगे तो भाई अपना प्रोजेक्टर मिलता है आपको हेलोजन के अंदर, बेस मॉडल के अंदर ये सिंगल प्रोजेक्टर है अपना, हाई बीम लो बीम दोनों इसी के अंदर है। तो भाई कहीं ना कहीं ये गाड़ी है ना करेटा वगैरह आप देखोगे हुंडई की, उनकी मार्केट डाउन कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर आपने देखा होगा ना नीचे हेडलम्प आते बम्पर्स के अंदर, आप नीचे नोटिस करा हुआ DRLs अपने ऊपर से स्टार्ट हो जाते हैं पर बम्पर्स के अंदर आपने देखा होगा हेडलम्प वगैरह इनने दिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भाई ये हुंडई करेटा वगैरह जो भी इसके कंपटीटर हैं और भी एक्सेट्रा, उनकी भाई मार्केट जरूर डाउन करेगी। और यहाँ हम देखते हैं तो भाई इसके अंदर सुजुकी का लोगो आपको यहाँ इसके अंदर मिल जाता है, ये अपनी क्रोम के अंदर फ्रंट के अंदर यह दिया हुआ है, मतलब कि ज़्यादा भी यूज़ नहीं किया गया क्रोम का फ्रंट में ही, कि ज़्यादा भरा भरा लगे, पर सही है कि भाई आपको लिमिट के अंदर या क्रोम इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और यहाँ आप देखेंगे कि भाई इसके अंदर ब्लैक कलर के अंदर आपको पूरी एक ग्रिल दी हुई है, ऐसे को डिज़ाइन के अंदर ग्लोसी में है पूरी आप ग्रिल देख रहे हो भाई, पूरी चमक दी ग्रिल ऐसे। और हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ सिल्वर के अंदर आपको यहाँ इसकी स्किड प्लेट यहाँ नीचे दिख जाएगी, और ये कुछ रफ़ रफ़ सी आपको यहाँ दिखेगी, जैसे कि आप हाथ लगा के देखेंगे तो यहाँ आपको कुछ रफ़ रफ़ सी ऐसी लगेगी। ये तो हो गया भाई कुछ इसका फ्रंट लुक का। अब देखते हैं भाई सर फ्रंट मिरर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ दिख जाएंगी नोटिस करने को। तो भाई सिंपल अपने जैसे कि वाइपर आप देख रहे हैं, दो वाइपर हैं दो वॉशर के साथ हैं, आप यहाँ इसके दोनों वॉशर्स नोटिस कर लेंगे। अब हम कर लेते हैं भाई साइड प्रोफाइल की कुछ बात। तो पहले भाई हम जानेंगे कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको कितनी मिल जाती है। तो भाई 210 की आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है। और व्हील बेस की बात करते हैं, 2600 mm का इसका व्हील बेस हो गया। तो यहाँ पहले हम टायर प्रोफाइल देखते हैं भाई इसकी कितनी आपको टायर प्रोफाइल दी गई है आपकी बार। तो ये अपनी है 215/60/R17 इंच की आपको इसके अंदर ब्लैक स्टील रिम मिलते हैं। तो ब्लैक स्टील रिम आप समझ गए होंगे, फिर व्हील कैप्स भी इसी के साथ हैं। तो भाई ये अपने व्हील कैप्स इसके डिग्गी के अंदर रखे हुए हैं, जब गाड़ी डिलीवरी वगैरह के लिए जाएगी तो जब इसके अंदर व्हील कैप्स वगैरह डाल दिए जाएंगे। और बात करें तो भाई इसके अंदर साइड में आप देख रहे होंगे व्हील आर किट, जो कि अपनी ब्रेजा के अंदर भी अब कंपनी फेड मतलब कि इनबिल्ड ही आती थी, इसके अंदर भी बिल्कुल इनबिल्ड आपको यहाँ कंपनी इसके अंदर दे रही है पूरी व्हील आर किट। पीछे तक जा रही है फ्रंट से पूरी दिख रही है यहाँ तक, और पूरी अपनी पीछे तक जा रही है। ORVN आप देख रहे होंगे भाई ये बिल्कुल आपको बॉडी गार्ड मिल रहे हैं, इसके अंदर साइड इंडिकेटर भी है। इसको हम चेक कर लेते हैं कि भाई एडजस्टेबल आपको इसके अंदर मिल जाते हैं नहीं मिलते, भाई एडजस्टेबल बिल्कुल आपको इसके अंदर यहाँ मिल जाते हैं। डोर हैंडल आप देख रहे होंगे भाई इसके अंदर आपको बॉडी गार्ड मिल रहा है, यहाँ आपको इसका डोर अनलॉक करवा के सेंसर यहाँ इसके अंदर मिल जाता है। ये भाई आप देखोगे कुछ इसका साइड का पूरा लुक। और ये आप देख रहे होंगे भाई सी पिलर के ऊपर यहाँ कुछ सिल्वर फिनिश दिया हुआ है, मतलब कि ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया गया कि बार सिल्वर टच का, मतलब कि फ्रंट में आपने देखा होगा या साइड में भी थोड़ा बहुत आपको दिखाने के लिए यहाँ दे दिया, और बैक में भी आपको नीचे यहाँ सीट बेल्ट इसकी दिख जाएगी सिल्वर के अंदर, और ये भी पूरी भाई रफ रफ के अंदर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, अगर आप इसको टच करके देखते हो तो रफ वगैरह में आपको यहाँ मिल जाती है। तो भाई साइड का प्रोफाइल अपना ये हो गया है। अब आते हैं भाई कुछ इसके रियर प्रोफाइल पर। तो रियर प्रोफाइल आपके बार आप देखोगे भाई बिल्कुल तगड़ा रियर प्रोफाइल, मतलब कि इस गाड़ी का आपने नोटिस करेंगे भाई बिल्कुल तगड़ा रियर प्रोफाइल है। तो रूफ़ के ऊपर आप यहाँ देखेंगे सार्फ एंटीना अपने यहाँ लगा हुआ है, और ये अपना हो गया भाई हाई माउंट स्टॉप लैंप। स्पॉइलर अगर कंपनी आ गया सीरीज में देगी तो भाई पता नहीं, पर ये स्पॉइलर भी इस टाइप में है जो इन बिल्ड आ रहा है कंपनी से। यहाँ अपना हाई माउंट स्टॉप लैंप हो गया, और ये रियर मिरर आप देख रहे हो भाई, मतलब कि कंपनी अगर बेस मॉडल के अंदर आप बेसिक नीड मतलब कि आपको प्रोवाइड कर रही है, मतलब कि ये देखोगे ना आप इसके अंदर डी फोगर, ये देखो भाई आप डी फोगर बेस मॉडल से आप नोटिस करेंगे। और मैं अंदर भी आपको जो चीज़ दिखाऊंगा ना भाई आप मानोगे नहीं कि भाई बेस मॉडल के अंदर भी आपको ये सब चीज़ मिल रही है। ये अपने को नेक्सा की यहाँ बैजिंग भी मिल जाती है, क्योंकि ये नेक्सा ही का ही पार्ट है। यहाँ आप बीच में देखेंगे सुजुकी का लोगो है,
यहाँ भी ग्लोसी ब्लैक के अंदर पीछे टेल लैम्प्स के ऊपर कुछ यूज़ किया गया है, और बिल्कुल ये आप देखेंगे जॉइंटेड टेल लैम्प्स है। सुजुकी के लोगों नीचे आप यहाँ ग्रैंड विटारा की पूरी यहाँ बैजिंग देखेंगे, यह अपने स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग होगी, यहाँ आपकी नंबर प्लेट वगैरह लगेगी। और टेल लैम्प्स हम देख लेते हैं पूरा LED के अंदर सेटअप है, बेस मॉडल के अंदर भी। नीचे अपना यहाँ होगा साइड इंडिकेटर का होगा, ये रिवर्स का होगा, ये अपना कुछ छोटा सा रिफ्लेक्टर यहाँ दिया हुआ है, ये दोनों साइड चीज़ आप नोटिस करेंगे, ये अपना इंडिकेटर, ये रिवर्स और ये रिफ्लेक्टर। बम्पर के अंदर आपको इसके अंदर चार सेंसर्स मिल जाएंगे, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ वाला आप नोटिस करेंगे, चौथा अपना यहाँ हो गया, मतलब कि चार सेंसर आपको इसके बेस मॉडल से ही मिल रहे हैं। और ये मैंने स्किड प्लेट आपको इसके अंदर दिखाई दी है। भाई ये तो बात हो गई कार के पूरे एक्सटीरियर के बारे में, अब चलते हैं भाई कार के इंटीरियर के अंदर कि भाई क्या क्या बेस मॉडल के अंदर आपको क्या क्या फीचर वगैरह भाई आप कंपनी इस बार दे रही है। तो पहले भाई हम चेक करेंगे पूरा इसका डोर ट्रिम। तो भाई डोर ट्रिम देख के आप समझ गए होंगे, ये होगा भाई अपना सॉफ्ट पोर्शन, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पोर्शन हो गया भाई ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं ब्लैक के अंदर, मतलब कि बेस मॉडल के अंदर आपको कंपनी अब बेस वो भी दे रही है सॉफ्ट पोर्शन। ये चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं भाई, ये कोई अपना सॉफ्ट पोर्शन नहीं है, जैसे अपना प्लास्टिक के अंदर ही है, ये आप देख रहे हो। पर डोर टोन करने के लिए डैशबोर्ड और डोर ट्रिम्स वगैरह में आपको ऐसा डिज़ाइन दे दिया गया है, क्योंकि सीट कवर से भाई क्योंकि मैच करना था, तो यार कहीं ना कहीं ये मैचिंग यहाँ भी दे दी है। तो यहाँ बात करेंगे हम चारों पावर विंडो है, जो ड्राइवर साइड का आपको ऑटो यहाँ मिल जाएगा, ये अपने डोर लॉक करने अनलॉक करने के लिए हो गए। और यहाँ आप देखेंगे भाई इसका ओवर वीएन का आपको एडजस्टमेंट मिल गया दोनों लेफ्ट राइट के। और ये आप डोर हैंडल्स का देखेंगे भाई क्रोम के अंदर यहाँ आपको इसके मिल जाएगा, और ये अपना होगा थोड़ा सा सिल्वर फिनिश, और ये आप देखेंगे पूरा यहाँ। बट डोर ट्रिम में अगर आप देखेंगे तो डुअल टोन कलर के अंदर ये रखा गया है यहाँ भी, क्योंकि डैशबोर्ड वगैरह मैंने आपको दिखाया कि भाई डैशबोर्ड वगैरह में भी यही कलर का नोटिस किया गया है। ये कलर का भाई नाम तो मेरे को पता नहीं है भाई, बर्गंडी वगैरह पता नहीं कलर मेरे को लगा रहा है भाई, गलत हो तो भाई आप कमेंट करके अंदर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। या आप इसके अंदर वाटर बॉटल होल्डर देखेंगे यहाँ, और ये अपना कुछ स्पेस हो गया, तो भाई कार के अंदर अब बैठ जाते हैं। और भाई कार बिल्कुल हीट हो रही है, क्योंकि भाई आप देख रहे हो स्टोक यार्ड के अंदर गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ, और भाई धूप के अंदर बिल्कुल डायरेक्ट सन से धूप यहाँ आ रही होगी भाई पूरी, तो इसलिए भाई गाड़ी बिल्कुल गर्म हो रही है। तो चलो भाई मैं झेल लेता हूँ इसको थोड़ा देर, क्योंकि भाई गाड़ी की वीडियो वगैरह बनानी है। तो भाई ये इसकी होगी की, जो कि भाई रिमोट की आपको इसके बेस मॉडल के अंदर मिल रही है। भाई सोचो कि भाई बेस मॉडल के अंदर आपको कंपनी क्या क्या चीज़ें दे रही है, मतलब जिसने भाई किसी ने सोचा भी होगा ना ये चीज़ें हैं, वो भाई कंपनी ने डाल दी इसके अंदर। तो ये इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन हो गया, यहाँ थोड़ा क्रोम वगैरह के अंदर आपको दिया हुआ है, तो एक बार इसको तो गाड़ी होगी भाई अपनी स्टार्ट, गाड़ी को यहाँ बंद ही कर देते हैं भाई थोड़ी देर। ये आपको देखेंगे इसके अंदर इसका क्लस्टर हो गया भाई, बीच के अंदर आपको यहाँ छोटी सी डिस्प्ले मिल जाएगी, यहाँ आपकी स्पीड का हो गया, नीचे आपका पेट्रोल का गेज, और यहाँ अपना हो गया इंजन का तापमान वगैरह टेम्परेचर, और ये अपना हो गया RPM का। ये आपको दोनों ऑप्स मिल जाती हैं, इससे आप इसका बीच का सेट वगैरह कर सकते हैं। ये भाई इसका स्टेयरिंग व्हील होगा, फ्लैट बॉटम में नहीं है, पर सही है भाई आपको इसके अंदर टिल्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, वो भी मैं आगे एक बार आपको टिल्ट वगैरह करके दिखाता हूँ। भाई ये देखो आप कि भाई अभी आपने सोचा नहीं होगा ये बेस मॉडल है, इसके अंदर भी कंपनी ने इतने ज़्यादा फीचर डाल दिए, मतलब कि जैसे मैंने आपको दिखाया था इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप, वैसे भाई स्टेयरिंग में आप देखोगे टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों चीज़ है भाई। ये देखो बेस मॉडल के अंदर आप अपना टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों कर सकते हैं, या नीचे आपको लॉक वगैरह इसका मिल जाता है, इसको मैं अभी कर देता हूँ। और इसके अंदर आप देखेंगे स्टेयरिंग में अपने स्टीरियो कंट्रोल मिल जाते हैं, मतलब कि आप कंपनी से स्टीरियो जो लगाएंगे उसी के अंदर ये कंट्रोलिंग वगैरह यहाँ से करेंगे, या आफ्टर मार्केट आप कैसे भी लगवाएंगे भाई वो आपकी मर्जी है। यहाँ आपको स्टेयरिंग के अंदर इसका सुजुकी का लोगो है, मैंने जैसे कि बताया था भाई ये कलर का आपने डोर ट्रिम के अंदर देखा था, यहीं आपको डैशबोर्ड के अंदर मिलेगा, पीछे पिछड़ा डोर्स के अंदर भी है। स्टीरियो भाई इसके सिग्मा वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलता है, ऊपर जाएंगे तो भाई आपको स्टीरियो वगैरह सब यह मिल जाएगा। ये अपना हो गया हजार्ड का बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको बेस मॉडल के अंदर यह मिल जाएगा। और ये आप देख रहे हो आइडल स्टार्ट स्टॉप और अट्रैक्शन वगैरह के आपके बार यहाँ कंट्रोल आपको नहीं दिखेंगे, ये सब हाउसिंग वगैरह दी हुई है। ये अपने हेडलाइट का हो गया यहाँ सेट करने का, नीचे आप देख रहे होगे भाई यहाँ ये अपना आर्म रेस्ट है, ये देखो भाई अपना आर्म रेस्ट भी बेस मॉडल के अंदर, आगे वगैरह भी कर सकते हैं, मतलब सेट वगैरह अपने हिसाब से यहाँ कर सकते हैं आप इसका। और मैंने आपको बताया था कि बेस मॉडल है, तो इसके अंदर अपना कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं आएगा, तो ये अपना आप देख रहे हो मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं है। तो नीचे हम देखेंगे तो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, यहाँ आपको हाउसिंग वगैरह यहाँ दी गई है, नीचे भी आपको यहाँ अपना स्मार्टफोन वगैरह आसानी से आप यहाँ रख सकते हैं। तो ये देखोगे भाई आप यहाँ भी के कलर का नोटिस किया गया है, और ये सिल्वर फिनिश आपको यहाँ पूरी यहाँ से दी हुई है, ये मतलब कि यह है कि ज़्यादा भरा डैशबोर्ड को नहीं दिखाने के, मतलब कि डुअल टोन में भी दे दिया और बढ़िया लुक में भी दे दिया। तो AC वेंट्स देखेंगे हम अपने, एक यहाँ है अपना, दोनों अपने यहाँ बीच में हो गए भाई, और अपना को ड्राइवर के लिए एक वहाँ हो गया है।
डैशबोर्ड देखते हैं भाई अपना, यहाँ कोई भी कूल वगैरह नहीं है वेस्ट मोड के अंदर, पर आपके कार के डॉक्यूमेंट्स आसानी से आप इसके अंदर रख सकते हैं। मतलब कि भाई बहुत चीज़ आपने जो जो सोच भी सकते ना भाई, वो चीज़ कंपनी ने इस पर दे दी है। तो ये अपना हो गया IRVN, जो कि आप इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। ये आपने हो गए भाई कैबिन लाइट, दोनों हेलोजन में है। और ये अपने हो गए सनवाइज़र भाई, इसके अंदर आपको यहाँ इसके अंदर मिरर भी देखने को यहाँ मिल जाएगा। इसको करते बंद, यहाँ टिकट होल्डर कोई भी अपना नहीं है। ये होगा भाई सेम, यहाँ भी आपको मिरर वगैरह मिल जाएगा। ये कुछ एयर बैग्स के इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए हुए हैं आपको। तो ये तो बात होगी वैसे कुछ फ्रंट की पूरी। और यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, सीट कुछ ऐसी है विदाउट कवर है, मतलब कि ये फैब्रिक सीट्स जिसको बोलते हैं, ये भी बिल्कुल सेम इससे कनेक्टेड की, मतलब कि सेम मतलब कलर के अंदर सेम की हुई हैं। ये मैंने आपको जैसे दिखाया कि भाई ये अपने हो गए दो कप होल्डर्स, या अपनी कार की वगैरह रखते हैं। ये अपना हो गया हैंड ब्रेक, ये अपने हो गए हैंड रेस्ट, जो कि सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ आपको यहाँ मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे कि मैंने दिखा दिया भाई, बेस मॉडल के अंदर आपको क्यों मिल रहा है। इसको भाई मैं एक बार सेट करके लॉक कर देता हूँ यहाँ। अब चलते हैं भाई कार के रियर सीट्स के देखते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि भाई फ्रंट में आपको इसका हाइट एडजस्टेबल वगैरह और अपने सीट फोल्ड वगैरह यहाँ मिल जाएगा। एडजस्टेबल हेड रेस्ट है इसके, आपको फ्रंट में ही मिल जाएंगे। और रियर में भी भाई एडजस्टेबल हेड रेस्ट है, देखो आप। चलो मैं आपको पूरा अच्छे से दिखाई देता हूँ। तो ये करा भाई हमने डोर ओपन, ये हमने देखा भाई इसके अंदर भी पीछे भी सॉफ्ट पोर्शन आ भी है ब्लैक ब्लैक वाला, नोटिस करेंगे। ये आपको पावर विंडो है, ये अपने हो गया बोतल होल्डर, यहाँ भी कुछ थोड़ा बहुत स्पेस आपको मिल जाता है। पीछे भी वही अपने डुअल टोन के अंदर यहाँ दिया गया है। और ये हो गया भाई रियर सीट्स अपनी, ये देखो भाई। और ये अपने हो गए एडजस्टेबल हेड रेस्ट, और ये अपने 60x40 के अंदर है अपनी सीट्स। और ये देखोगे भाई अपना आर्म रेस्ट के साथ अपने दो कप होल्डर्स यहाँ अपने इसके अंदर आपको दिख जाएंगे। और स्पेस की बात करते हैं ना, स्पेस तो बहुत है भाई कार के अंदर। ये तो सीट मैंने घर रखी, ये वाली एडजस्ट है, ये दिखाता हूँ आपको। स्पेस देखना भाई, अब आप स्पेस देखोगे भाई कितना बच रहा है। अंडर थाई सपोर्ट भी देख लेते हैं एक बार, आप देखो अपना अंडर थाई सपोर्ट कितना बढ़िया आपको मिल रहा है। मैं बिल्कुल 6 फीट की हाइट है भाई मेरी, और पीछे देखो अंडर थाई सपोर्ट, नीचे देखो भाई आप, बिल्कुल तगड़े वाला अंडर थाई सपोर्ट है। ये अपने हो गए पीछे वाले रियर के एसी वेंट्स, ये मैंने जैसे कि आर्म रेस्ट आपको दिखाया था, ये भी एडजस्टेबल है आगे या पीछे, आप एडजस्ट आराम से कर सकते हैं। और भाई पीछे अपने एडजस्टेबल हेडरेस्ट मैंने आपको दिखा दिया। और अभी मैं सीट्स को नीचे करके दिखाऊंगा, मतलब कि इसके अंदर आपको 60x40 के अंदर जो सीट्स मिलती है इनको नीचे करके दिखाऊंगा। आप इसके अंदर 4 स्पीकर्स लगवा सकते हैं, ट्यूटर वगैरह का इसके अंदर कोई भी हाउसिंग वगैरह आपको इसके अंदर नहीं दी गई है। ये पीछे भी आपको यहाँ क्रोम के अंदर मिल जाएगा इसका डोर हैंडल, और यहाँ भी कुछ सिल्वर फिनिश आपको यहाँ दी गई है। तो अभी सीट को भाई मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ, फिर देखना आप स्पेस कितना मिलेगा, फिर बूट स्पेस वगैरह की बात करेंगे फिर हम इसके। ये अपने इसके व्हील कैप्स रखे हुए हैं, देखो आप व्हील कैप्स ऐसे कुछ हैं भाई, आप देख सकते हैं। इसके अलॉय वगैरह मैं आपको दिखा दूँगा, अलॉय वगैरह ये वाले आप लगवा सकते हैं इसके अंदर कंपनी से, डुअल टोन वाले हैं ये टॉप मॉडल्स के। तो भाई सीट मैंने जैसे दोनों को नीचे कर दूँगा ना, फिर आप स्पेस दे। अब देखो भाई गाड़ी के अंदर पूरा एक बेड बन गया, मतलब कि ये दो आदमी इसके अंदर ट्रिप वगैरह पे जा रहे हैं विदाउट सामान तो आराम से लेट सकते हैं। और अगर दो बंदे ट्रिप पे जा रहे हैं तो पीछे तो भाई भर भर के स्पेस है, मतलब सामान वगैरह रखना हो इसके अंदर आपको कोई भी। यहाँ देखोगे पार्सल ट्रे वगैरह बेस मॉडल के अंदर नहीं मिलती है। एक बार मैं आपको बूट फिर से ओपन कर दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको यहाँ सेंसर बटन मिल जाता है, उसको आप प्रेस करेंगे तो ये अपना बूट हो गया ओपन। ये स्पेस देखो भाई अब कितना तगड़ा लग रहा है अब। पर भाई हम सीट्स को ऊपर रखते हैं और फिर बूट स्पेस की बात करते हैं, तो अपना 375 लीटर्स का, मतलब कि 375 लीटर का आपको इसके अंदर बूट स्पेस मिल जाता है। अब पीछे आप देख रहे हो भाई, ये पीछे रियर सीट्स पे भी आपको ये कैबिन लाइट्स अंदर इसके अंदर मिल जाएगी, दोनों हेलोजन के अंदर ही है। पीछे कोई भी आपको यहाँ इसके अंदर बूट के अंदर कोई भी लाइट वगैरह नहीं दी हुई है, पर यहाँ आपको छोटा मोटा स्पेस, मतलब कि एक दो चीज़ टूल्स वगैरह छोटे मोटे आ जाएंगे आपके यहाँ आसानी से, या आप किसी भी चीज़ को हैंग अप भी यहाँ कर सकते हैं आसानी से। तो ये तो भाई इसके बात होगी इसके बूट के बारे में। और ये जो वेरिएंट मैंने आपको दिखाया था इसका बेस मॉडल यानी कि सिग्मा वेरिएंट है। अगर आप तो भाई जैसा कि आपने वीडियो के अंदर पूरा देख ही लिया होगा कि मैंने आपको एक्सटीरियर और इंटीरियर के अंदर सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर किसी भाई को बाय करनी हो भाई ग्रैंड विटारा नेक्सा में दिल्ली वगैरह में बाय करनी हो किसी भी हरियाणा दिल्ली में, तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई, वो आपकी हेल्प कर देंगे इसको बाय करने में। कोई भी नेक्सा की कार, मैं ये नहीं कह रहा ग्रैंड विटारा ही, तो भाई कोई भी नेक्सा की कार जो जितनी भी है सारी किसी में से भी आपको बाय करनी हो तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में आप बातचीत कर सकते हैं उनसे कंसल्ट करने के लिए वगैरह। तो जैसा कि आज की वीडियो के अंदर जैसे मैंने आपको दिखाई दिया कि भाई अपने साथ आज था ग्रैंड विटारा का बेस मॉडल सिग्मा वेरिएंट। अगर आपको किसी और वेरिएंट के ऊपर इसके वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना, उसके ऊपर अपने चैनल पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की मैं कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं भाई किसी एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।